हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल Study24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत है। थंबनेल आपने देख लिया होगा, और अगर थंबनेल देख के आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। और आपको बिल्कुल सही खबर बताने वाला हूं कि कल जो गेस्ट टीचर्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। क्यों अरेस्ट किया गया है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, और इस वीडियो में वो एक छोटी सी क्लिप भी है, वो मैं डाल देता हूँ। इस वीडियो के बाद आपको एक छोटी सी क्लिप मिलेगी, वो इस वीडियो में ही मैं अटैच कर देता हूँ, वो भी आप देख लेना। जैसा कि आप जानते हैं कि गेस्ट टीचर्स का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर्स चाह रहे हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाए, 58 साल की जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाए। तो सबसे पहले अभी एक मैसेज देखा था मैंने, तो उसमें क्या था कि गेस्ट का मतलब होता है अतिथि। गेस्ट का मतलब क्या होता है? अतिथि। और गेस्ट अगर आपके घर कोई आए, गेस्ट मतलब कुछ दिन के मेहमान होते हैं, अगर वो आपके घर आए और कहें कि हम तो यहाँ पे 50-60 साल तक रहेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो यही चीजें शिक्षा के साथ हो रही हैं। अब डर ये है कि गवर्नमेंट इलेक्शन के चक्कर में उन कैंडिडेट्स का नुकसान ना कर दे जो डिजर्विंग है। मैं ये नहीं कह रहा, न्यू वैकेंसीज निकालो, फ्रेश वैकेंसीज निकालो और इनको कुछ छूट दो, क्योंकि ये काफी टाइम से बेचारे काम कर रहे हैं। अब ये गलत है कि कोई भी धरना दे और उनको बेनिफिट मिल जाए, तो ये सारी चीजें गलत हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी डाली थी, गेस्ट टीचर पर गवर्नमेंट मेहरबान हो रही है, और जो सीटेट एसटेट पास कैंडिडेट्स हैं वो क्या करें, पकौड़े तलें। और बिल्कुल वो सही बात हो रही है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं, एक क्लिप है, और इसके बाद बता देना चाहता हूं, जो साथी घर बैठे पढ़ाना चाहते हैं अनअकैडमी पे, वो मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट मुझे कर सकते हैं। बड़े आराम से पढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं है, जब टाइम हो तब बना दो वीडियो, अच्छी इनकम है, आराम से सारी चीजें मैं समझा दूंगा। तो अभी आप वीडियो देखिए। हम यहाँ पर गेस्ट टीचर, 25,000 गेस्ट टीचर आए थे और ये लोग हमें पुलिस वाले बैठने नहीं दे रहे, हमें बसों में भर लिया है। ये देखिए, महिलाएं खुद अपनी मर्जी से उसमें बस में बैठ रही हैं। ये हमारी आवाज दबाने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी अपराध के हमने अपनी गिरफ्तारियां दे दी है, हम अंदर जा रहे हैं। और मीडिया से मेरी दरखास्त है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी इस आवाज को पूरी इंडिया में पहुंचाएं।